लोकसभा की जंग तेजी से बढ़ रही है और इस सियासी जंग में कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है। अब तक कांग्रेस के 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन एक और अहम सवाल रायबरेली अमेठी की सीट को लेकर बना हुआ है। सवाल है कि क्या गांधी परिवार से कोई इन सीटों पर उम्मीदवार बनेगा? क्या अमेठी में गांधी परिवार का नेता स्मृति ईरानी को चुनौती देगा? प्रियंका जी के लिए वहाँ की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। बीते दिन जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी रायबरेली से होकर गुजरी थी तो उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी। उधर स्मृति ईरानी तो एक बार फिर अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं और जोर शोर से अमेठी में दोबारा जीत की तैयारी कर रही हैं। कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद दो सीटों से लड़ेंगे, जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो दो सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनकी अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। लेकिन यूपी की जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की, उसमें रायबरेली सीट नहीं थी और ऐसे में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद इस सीट को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही हैं। यूपी के रण में राहुल प्रियंका के उतरने पर संशय है। उधर बीजेपी के खेमे में भी दो गांधी हैं, मेनका और वरुण के टिकट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी सुल्तानपुर से जीती थी और वरुण गांधी पीलीभीत से, लेकिन इस बार किसानों के मुद्दे पर सरकार को ही खड़े करने वाले वरुण गांधी के बीजेपी के साथ चुनावी भविष्य पर कई कयास लग रहे हैं। तो क्या दोनों को पार्टी फिर से इन्हीं सीटों से उतारेगी या संकोच करेगी? अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में दो दो गांधी का उत्तर प्रदेश से चुनावी मुकद्दर पर फैसला होना है, जिसके लिए दोनों ओर से अगली लिस्ट का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।